हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इंग्लिश। आज हम बात करेंगे इंग्लिश वर्ड्स के राइट प्रोनंसिएशन के बारे में, जिसका ये सेकंड पार्ट है। 24 वर्ड्स में लेके आया हूँ, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके राइट प्रोनंसिएशन क्या होते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसको ज़रूर देखें। नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला वर्ड है ब्रेकफास्ट। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट, जो कि गलत होता है। राइट प्रोनंसिएशन इसका होता है ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट। सेकंड देखते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बोलते हैं या पिज़्ज़ा बोलते हैं, दोनों ही गलत होता है। ना पिज़्ज़ा बोलते हैं ना पिज़्ज़ा बोलते हैं, इसको मतलब पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, ठीक है। नेक्स्ट चॉकलेट, हम इसको बोलते हैं चॉकलेट, जो कि गलत होता है। राइट होता है चॉकलेट, चॉकलेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है खाने के बाद परोसी जाने वाली कोई मीठी डिश, इसको हम बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है DESSERT, डेजर्ट। और एक डेजर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेगिस्तान, उसकी भी स्पेलिंग इससे मिलती जुलती है, जो कि ये है DESSERT, डेजर्ट। दोनों का प्रोनंसिएशन सेम होता है, बस रेगिस्तान का जो डेजर्ट है उसमें सिंगल एस लगता है, और जो खाने के बाद जो मीठी डिश होती है हमारी उसमें डबल एस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बाउल, इसको हम बोलते हैं बाउल, जो कि गलत होता है। राइट होता है बॉल। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं रिसिप्ट या फिर रसीद। रसीद तो हिंदी वर्ड हो गया, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको रिसिप्ट, जो कि गलत होता है। सही होता है रीसीट, रीसीट, ओके। नेक्स्ट डेप्थ, इसको हम बोलते हैं डेप्थ बोल लेंगे, बट इसमें बी साइलेंट हो जाता है और इसका राइट प्रोनंसिएशन हो जाता है डेथ, डेथ, डेथ। वेडनेसडे, हम बोलते हैं वेडनेसडे या वेनेसडे, दोनों ही गलत होता है। इसका राइट प्रोनंसिएशन होता है वेंसडे, वेंसडे। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको लोग, इसका कोई केक बोलता है, कोई केचे बोलता है, क्या राइट होता है मालूम, मतलब क्या बोलते हैं लोग ये नहीं मालूम, बट इसका राइट प्रोनंसिएशन जो होता है वो होता है कैश, कैश। नेक्स्ट देखते हैं कैरियर बोलते हैं हम लोग, बट कैरियर गलत होता है, इसका राइट प्रोनंसिएशन होता है करियर, करियर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी नहीं होता, ये होता है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। फ़ोटो में हम कोशिश करेंगे वा यूज़ करने की, यानी कि ओ या वी कह लो, फोटोग्राफी, ऐसी हो जाता हमारा नेक्स्ट, ऐसी हो जाता हमारा फोटोग्राफी का, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लम्बर। प्लम्बर नहीं बोलते हम इसको, बोलते हैं प्लाम, प्लाम। चलिए नेक्स्ट कुकुम्बर। कुकुम्बर गलत होता है, इसका राइट प्रोनंसिएशन होता है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। सब्जियां, इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल, इसको वेजिटेबल नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेजिटेबल, वेजिटेबल। नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन, इसको कंपटीशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन। पोजीशन नहीं होता, ये होता है पजीशन, पजीशन। अगला देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन गलत होता है, इसका राइट प्रोनंसिएशन होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं फॉरगेट। फॉरगेट गलत होता है, ये राइट प्रोनंसिएशन उसका होता है फगेट, फगेट, ओके। और इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है फोरगोट, जिसको हम बोलते हैं फोरगोट, जो कि गलत होता है, इसको बोलते हैं हम फगोट। इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है फोरगोटन, फोरगोटन गलत होता है, राइट होता है फगोटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हम डीओ लगा के जाते हैं जिससे कि खुशबू आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं डिओड्रेंट। डिओड्रेंट नहीं होता है, वो होता है डियोड्रंट, डियोड्रंट,
नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन गलत होता है, इसका राइट होता है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन। अब इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है अप्रैल, अप्रैल नहीं होता, ये होता है अप्रैल, अप्रैल। एक और महीने का नाम ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में भी इसको कई लोग मई बोलते हैं और हिंदी में भी मई बोलते हैं, तो इंग्लिश में मई नहीं बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में मई बोलते हैं, मई का महीना जो होता है उसको हम इंग्लिश में मई बोलते हैं। सो दोस्तों हमारा ये सेशन जो है आज का ख़त्म हुआ, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।